लास्ट टॉपिक है हमारा सब टॉपिक 9 राइटर्स ऑफ क्रॉनिकल्स लिस्ट मैनी हाई साउंडिंग टाइटल्स दैट अज्यूम्ड बाय मुगल एम्परर्स अपॉन सेंडिंग द थ्रोन। जब मुगल राजा अपने उसमें बैठते थे, गद्दी पे बैठते थे, तो वो क्या करते थे, इतिवृत्तों में लिखा हुआ है कि जो मुगल एम्परर गद्दी पे बैठते थे, थ्रोन पे बैठते थे, तो अपने आप को वो हाई टाइटल से सुशोभित करते थे। मुंजायमान पदवियों से सूचीबद्ध किया गया है, सच है जहांगीर, मैंने जैसे आपको बताया, संसार जेतु वर्ल्ड सीजर, शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड संसार का राजा। दीज टाइटल्स एंड देयर मीनिंग्स रिट्रेट द क्लेम्स ऑफ द मुगल एम्परर्स। ये जो सारे वो दावे करते थे, अपने उपाधियां लेते थे, वो इन पदवियों से उनके अर्थों का हवाला देते थे। समाज समसामयिक मीन्स पॉलिटिकल तौर पे वो अपने पड़ोसियों को या दूसरे राजाओं को ये शो करते थे कि उनका जो वो है राजनीतिक शक्ति है उनकी सबसे ज्यादा है, उनकी उनके अधि उनके आगे कोई नहीं, उनसे आगे कोई नहीं हो सकता, वो ही सारे संसार के राजा है। बल्कि उनकी जो टेरिटोरियल शक्ति है, जो उनकी राजनीतिक शक्ति है, वो किसी तरह के प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे है, उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने ये टाइटल्स अज्यूम करते थे, इसलिए वो लेते थे कि वो दूसरे लोगों को, दूसरे राजाओं को ये बता सकें कि वो अनकंटेस्टेड मीन जिनको जीता नहीं जा सकता, उनकी शक्ति ऐसी है। अब हमारा टॉपिक है बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, सीमाओं से परे, जो हमारे उपमहाद्वीप की सीमाएं थी उनसे बाहर वाले क्षेत्र थे, जो उनके साथ रिलेशन कैसे थे। क्रॉनिकल्स गिव्स अकाउंट्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स। जो पड़ोसी राज थे उनके साथ, उनके मुगल राजाओं के, उनके साथ कैसे संबंध थे, ये हमने इसमें देखना है। द सफाविद एंड कंधार, सफावी एंड कंधार। सफावी क्या थे, ईरान के राजा थे, ईरान के शासक थे सफावी, और कंधार किसकी कैपिटल थी, अफगानिस्तान की। द रिलेशन विद ईरान एंड तुरान हिंग्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ द फ्रंटियर डिफाइंड बाय द हिंदूकुश माउंटेन विद सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन ऑफ द ईरान एंड सेंट्रल एशिया। उनके जो रिश्ते थे, राजनयिक रिश्ते थे, जो ईरान और तुरान के साथ, वो किस बात पे थे, किस बात पे उनके आपस में रिश्तों में वो थी प्रॉब्लम थी, फ्रंटियर डिफाइंड में, फ्रंटियर मीन्स उनके जो सीमाएं थी, जो हिंदूकुश पर्वत के द्वारा, हिंदूकुश पर्वत है जो अफगानिस्तान को ईरान से और सेंट्रल एशिया से अलग करता है, तो इस फ्रंटियर को लेकर उनके आपस में क्या था, जो रिश्ते में थे थोड़ी सी कड़वाहट रहती थी। रीजन ऑफ ईरान, द कॉन्स्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वॉज टू वार्ड ऑफ दीज पोटेंशियल डेंजर्स बाई कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट। तो मुगल नीति का जो निरंतर प्रयास था, मुगलों की जो नीति का निरंतर प्रयास था कि उन खतरों से, कि सामरिक महत्व की चौकियों विशेष करके काबुल और कंधार को इन खतरों से बचाया जाए, किससे बचाया जाए, ईरान और तुरान के हमलों से काबुल और कंधार को बचाया जाए, जो कि अफगानिस्तान के इलाके हैं, इनसे बचाया जाए। इट वाज अंडर हिमायू, कंधार वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सफाविद एंड मुगल्स। मुगलों के बीच में झगड़े की जड़ क्या था, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ क्या था, सफाविद एंड मुगल्स, कंधार, उनके बीच में क्या झगड़े जड़ क्या था, कंधार। इट वाज अंडर हिमायू कंक्वायर्ड इन 1595 बाय अकबर, 1595 में इसको अकबर ने इसको जीत लिया था। इट वाज अंडर हिमायू रिकंक्वायर्ड, पहले तो हार गए थे, हिमायू में अधिकार में था पहले में शुरू में, परंतु बाद में इसको अकबर ने फिर द्वारा जीत लिया था सफाविद से। सफाविद कंटिन्यू टू स्टेक क्लेम ऑफ टू कंधार, जो सफाविद से सफाविद थे वो हमेशा इस पे अपना अधिकार जमाते थे कि जो कंधार है वो उनका उनका इलाका है, क्लेम करते थे, जैसे अभी हम कहते हैं जैसे पाकिस्तान है जो कश्मीर पे अपना क्लेम हमेशा करता रहता है, ऐसी जो सफाविद से वो हमेशा ही कंधार के अपना कंट्रोल क्लेम शो करते थे, दावा करते थे। इन विंटर 1622 पर्शियन आर्मी बिसीज्ड कंधार। अब
1622 में किसका राज था? जहांगीर का। आपने देखा ही जहांगीर का राज जहांगीर का था, और उसके समय पे कंधार के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया पर्शियन ने, ईरान की आर्मी ने। द इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसंस, जो के तैयार नहीं थे, सेना तैयार नहीं थी, मुगल राक्षसी सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसलिए हैड टू सरेंडर द फोर्टेज सिटी ऑफ द सफाविज। और ये जो कंधार का किला था और ये शहर था वो सारा सफाविज के अंदर आ गया। तो इनके अगर हम देखा जाए तो किस कारण लड़ाई थी हमारी, जो इनकी जो सफाविज और मुगल के बीच में किस चीज का झगड़ा था? फ्रंटियर्स का, सीमाओं का झगड़ा था, हिंदुकुश पर्वत से लेकर सेंट्रल एशिया तक, अफगान को जो अलग करता था उस इलाके के लिए उनका झगड़ा था, जो कि एंड में 1622 में सफाविद ने इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। अब दूसरी है रीजनल पावर्स आउट ऑफ इंडियन क्या उपमहाद्वीप से बाहर है, ऑटोमंस। ऑटोमंस क्या है? ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का साम्राज्य था, जो तीर्थ यात्रा व्यापार, इनके साथ संबंध कैसे थे? तीर्थ यात्रा और व्यापार, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर था वहीं पे मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट जगह थी, जो तीर्थ यात्रा के स्थान थे, और एक जो मुगलों का व्यापार था वो भी ऑटोमन एम्पायर के साथ था। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द ऑटोमंस वाज मार्क्ड बाय द कंसर्न इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ फॉर मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स। इनके क्या कंसर्न था कि जो हमारे व्यापारी हैं और हमारे यात्री हैं वो स्वतंत्र आवागमन बरकरार रखवा सकें। ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों को आना जाना आसान हो। ऑटोमन अरबिया वेयर द इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स मक्का एंड मदीना थे, वो दोनों ऑटोमन अरबिया में थे। द मुगल एम्पायर यूजली कम्बाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स, जो मुगल शासक थे वो आमतौर पर धर्म और वाणिज्य के मुद्दों को मिला लेते थे आपस में। बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्केंडाइज टू एडन एंड मक्का, और वो कहाँ बेचते थे? अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात करते थे। बोथ रेड सी पोर्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स ऑफ द सेल्स इन द चैरिटी इन द कीपर्स ऑफ श्राइन एंड रिलीजियस मैन देयर, और निर्यात को प्रोत्साहन देते थे, और साथ ही साथ जो वहां से बिक्री होती थी, जो सेल्स से उनको फायदा होता था, वो क्या करते थे? वहां पे बांट देते थे। किसके लिए? श्राइन में रहने वाले, जो श्राइन का ध्यान रखते हैं, श्राइन कौन कौन से थे? मक्का एंड मदीना, उनके जो ध्यान रखते हैं उनको बांट देते थे। रिलीजियस मैन देयर, और जो धार्मिक लोग रहते थे वहां पे, वो धार्मिक स्थानों पर फकीरों में, जो दान में बांट दिया जाता था। हाउएवर व्हेन औरंगजेब डिस्कवर्ड केस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स, जब औरंगजेब को पता चलेगा कि ये धन का जो दुरुपयोग हो रहा है वहां पे, जिनके लिए धन बांटा जा रहा है उनको नहीं मिल रहा बाकी उसका दुरुपयोग हो रहा है, तब उसने इसको ही फेवर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तब उसने ये आदेश दिया कि अगर धन का वितरण करना है तो भारत में क्यों ना कर दिया जाए। उसका मानना था, वो क्या कहता था, ही फेवर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ही थॉट, वो कहा करता था, वॉज एज मच अ हाउस ऑफ गॉड एज मक्का, कि इंडिया भी तो वैसा ईश्वर का ग्रह जैसे मक्का, भारत में जो गरीब लोग रहते हैं उनको दे दिया जाए मक्का की बजाय देने की। अब तीसरा रिलेशन है जीसेट एट द मुगल कोर्ट, जैसुइट धर्म प्रचारक, जैसुइट कौन थे? ईसाई। मुगल दरबार में जैसुइन धर्म प्रचारक, जैसुइट धर्म प्रचारक जो मुगल दरबार में आए। फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट एंड इंडिया इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, पोर्टुगीज मर्चेंट्स सेट अप ए नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन इन द कॉस्टली सिटीज। अब पंद्रहवीं शताब्दी के एंड में पुर्तगाली लोग थे, वो भी क्या है, भारत में आने शुरू हो गए। उन्होंने अपना जो है नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग, व्यापार का नेटवर्क था, वो उन्होंने किसके साथ साथ शुरू कर दिया? कोस्टल सिटीज के साथ साथ, जैसे हम कह सकते हैं गोवा के साथ साथ उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। द पोर्टुगीज किंग्स वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। पोर्टुगीज राजा था वो भी चाहता था कि जो क्रिश्चियनिटी धर्म है उसका प्रचार किया जाए विद द हेल्प ऑफ द मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस। सोसाइटी ऑफ जीसस की मिशनरीज के साथ, पादरियों के साथ उसने कहा कि धर्म प्रचारकों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा जाए। तो इसलिए तीनों का अलग अलग हो गया। पहले सफाविज है, जो उन्होंने तो ऑटोमन अपने हिंदुकुश माउंटेन के साथ अफगानिस्तान के कंट्रोल करने के लिए रिलेशंस खराब किए थे,
ऑटोमंस के साथ रिलेशंस क्या थे, कि वहां पे ट्रेड और पिलग्रिम्स स्थान है तो वहां पे लोग जा आ जा सकें, और जीएसटी क्या थे, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में उसके पास मुगल साम्राज्य में थे। अकबर वाज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच्ड एन एम्बेसी टू गोवा टू इनवाइट जीसस प्रेस्ट। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने का बहुत उत्सुक था, उसे क्या थे कि इस धर्म में क्या है, जो जानने के लिए उसने क्या किया, गोवा में एक अपना दूत भेजा उनको आमंत्रित करने के लिए कि वो हमारे मेरे पास आए मेरे को मिलने के लिए। द फर्स्ट जीस्ट मिशन रीच द मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सिकरी इन 1580। 1580 में पहला जो मिशन था, पहले जो ईसाई लोगों का जो समूह था, एक शिष्टमंडल था, वो गोवा से फतेहपुर सिकरी में आया। स्टेड अबाउट 2 years, 2 साल तक रहा। 2 more missions were sent to the Mughal court at Lahore in 1591 and 1595. दो और मिशन आए, दो और शिष्टमंडल आए 1591 में और 1595 में लाहौर में आए जी। At public assemblies, the Jesuits were assigned places in close proximity to the Akbar's throne. Public assemblies, जो वो होता था, दरबार होता था, अकबर का दरबार होता था, उसमें जो जिस लोगों को जो अकबर था वो अपने नजदीक बैठाता था, जैसे उन्हें पीछे पड़ा है, जो अकबर के थ्रोन के पास बैठेगा, इसका मतलब क्या है, ही इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द आईज ऑफ द एम्परर, कि वो राजा की आंखों में उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसलिए वो उनको अपने पास बैठाता है। दे अकम्पेन्ड हिम ऑन द कम्पेन्स, वो युद्ध में भी अपने साथ ले जाता था उन ईसाइयों को। ट्यूटर हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों को पढ़ाता था, पढ़ाते थे वो। एंड वर ऑफन कंपेनियंस ऑफ हिज लेयर आवर्स, जो खाली समय में वो उनके फुर्सत के समय में वो भी उनके साथ रहते थे। जीसेट अकाउंट्स कॉर्पोरेट द इन्फॉर्मेशन, जो जीसेट ने अकाउंट्स लिखे वो इन्फॉर्मेशन में मुगल काल के राज्य के अधिकारियों और वहां के लोगों और ऑफिसर्स के बारे में जो लिखा वो मुगल टाइम्स के बारे में क्रॉनिकल्स के साथ मिलता है। जो पर्शियन लोगों ने लिखा और जीसेट अकाउंट ने लिखा, दोनों का आपस में काफी सूचना की पुष्टि करते हैं। जो इसमें लिखी गई सूचना वो उसमें दी है, दोनों सेम उसकी सूचना है। तो ये मैंने आपको जल्दी में खत्म कर दिया। अब असाइनमेंट क्वेश्चन 2 ही ऐसे लास्ट टॉपिक है। व्हाई डिड मुगल एम्परर्स अज्यूम्ड हाई टाइटल्स, हाई टाइटल्स क्यों अज्यूम करते थे, मुगल बादशाह पदवियां क्यों ग्रहण करते थे। व्हाट वर द कंसर्न्स दैट शेप्ड मुगल पॉलिसीज एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड रीजन आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट, वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों और विचारों को आकार प्रदान किया। सबसे पहले मुद्दे कौन से, 3 मुद्दे थे। एक तो आपने देखा पहले फ्रंटियर द टॉपिक, फ्रंटियर कंसर्न्स सफाविज के साथ है, फिर रिलीजियस कंसर्न, फिर क्या है उसका बिजनेस कंसर्न, एंड फिर इसका रिलीजियस कंसर्न, जो कि उनको बुलाना था, क्रिश्चियनिटी को बुलाया, वो क्या था, रिलीजियस कंसर्न। तो ये आप क्वेश्चन कैसे 4 कंसर्न आपने इसमें लिख देने हैं, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड हमारा थीम 9, 9 थीम हमारा मुगल इतिवृत्त, मुगल इतिवृत्त ये हमारा फिनिश हो गया। हम आगे शुरू करेंगे लेसन नंबर 10। ओके, थैंक यू।